नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। सीधी जिले के सिहावर विधानसभा के युवा समाज सेवी पवन द्विवेदी के द्वारा सिहावल से लेकर घोघरा देवी मंदिर तक बाया हिनौती अमलिया सोनवर्षा पहाड़ी बाजार होते हुए भव्य श्रीराम शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आकर्षण का केंद्र बिंदु 30 फीट की गदा रही। जैसा कि हम आपको चलती हुई विजुअल के माध्यम से दिखा रहे हैं, यदि बात की जाए भीड़ की, भीड़ भी काफ़ी संख्या में रही, गाड़ियों का काफिला भी काफ़ी संख्या में रहा। पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो आप हमारी चलती हुई विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस व्यवस्था के लिए थाना प्रभारी अमलिया निरीक्षक अशोक पांडे और थाना प्रभारी कमरजी भूपेश सिंह बैस अपने पूरे दल बल के साथ इस श्रीराम शोभा यात्रा की कमान संभाले हुए थे और किसी भी प्रकार की अशांति न हो, समुचित रूप से और अच्छे ढंग से श्रीराम भगवान की शोभा यात्रा निकल सके, इसके लिए लगातार प्रयासरत रहे। अब अगली कड़ी में हम बात करेंगे युवा समाज सेवी पवन द्विवेदी से कि इस श्रीराम शोभा यात्रा को लेकर वो क्या कहते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा। घोघरा देवी मंदिर तक श्रीराम शोभा यात्रा निकाला गया जी, इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहेंगे, इसका उद्देश्य क्या रहा। देखिए, ये राम शोभा यात्रा है, श्रीराम शोभा यात्रा है और हम हिंदू धर्म से हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम राम जी का प्रचार प्रसार करें, अपने हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करें। उस हिसाब से हमने राम शोभा यात्रा निकाली थी, हमारे भगवान हैं उनके लिए, और सब ने अच्छा सहयोग किया। सभी युवा थे, सब सारे लोग थे, सब ने अच्छा सहयोग किया। शासन प्रशासन मीडिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, सबका आभार करता हूँ। ऐसे ही हर साल हम प्रयास करते रहेंगे कि ये शोभा यात्रा निकलती रहे, भगवान राम का आशीर्वाद बना रहे, हम सक्षम रहें ये काम करने के लिए। आप सभी का धन्यवाद, आभार। जैसा कि अभी आपने देखा कि युवा समाज सेवी पवन द्विवेदी के द्वारा यह बताया गया है, लगातार भगवान के प्रचार प्रसार के लिए यह श्रीराम शोभा यात्रा निकाली गई थी। लगातार हर वर्ष इसी तरह से श्रीराम शोभा यात्रा निकलती रहेगी। तो बने रहें कैमरामैन मोहित द्विवेदी के साथ, मैं अमर द्विवेदी, प्रथम न्याय न्यूज।